हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है। मेरा नाम रौनक रावत है और मेरे यूट्यूब चैनल रौनक रावत पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, यदि आप एक यूट्यूबर है तो आपको यूट्यूब की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर का मानना है कि यदि हम एक बार यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर देते हैं उसके बाद हम वीडियो के साथ कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम अपने वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, कोई उसमें म्यूजिक ऐड करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। यदि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो को अपलोड कर दिया है, अब आप अपने वीडियो को ट्रिम करना चाहे, कट करना चाहे, अपने वीडियो में कोई म्यूजिक ऐड करना चाहे, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं। तो लाइव हम ये चीज़ करेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको कम्प्लीट लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा फ्रेंड कि यदि हम कोई वीडियो को अपलोड कर देते हैं उसके बाद भी हम एडिट कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। देखिए, हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब यहाँ सर्च में हमें क्या टाइप करना है, studio.youtube.com। फ्रेंड, मैंने जैसा लिखा वैसा ही आपको लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है, सब कुछ स्मॉल में लिखना है। studio.youtube.com लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसा ही आप सर्च करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, नया पेज ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पे तीन लाइन दिखेगी, तो आपको इस तीन लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, डैशबोर्ड के नीचे कंटेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जितने भी वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सबटाइटल कैसे डालें, हम हमारे वीडियो में सबटाइटल को कैसे डाल सकते हैं। फ्रेंड, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड, अब देखिए, आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, थंबनेल पे क्लिक करना है या उसके टाइटल पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैं उसके थंबनेल पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और नया पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक एडिटर का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, अभी हम पेंसिल वाले ऑप्शन पे है जहाँ से हम एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, कार्ड से लगा सकते हैं, सबटाइटल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक एडिटर का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको इस एडिटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और नया पेज ओपन होगा फ्रेंड। तो देखिए, यहाँ से हम हमारे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया 3-4 दिन पहले, अब भी आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नया पेज ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आप ट्रिम एंड कट करना चाहे, ब्लर करना चाहे, कोई ऑडियो ऐड करना चाहे, एंड स्क्रीन भी यहाँ से एडिट हो जाएगी, कार्ड्स भी एडिट हो जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ट्रिम एंड कट का यूज करना चाहते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फ्रेंड, पहले कॉपी पेन में लिख लीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट कट करना है, ऐसे ही कट मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड, मैं पार्ट कट करना चाहता हूँ, 1 से 2 मिनट का पार्ट मैं कट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको न्यू कट का ऑप्शन दिखेगा, न्यू कट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फ्रेंड, इसको आपको देखिए ऐसे सेट कर ले। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे आप कट बन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टाइम लिखा है फ्रेंड, मैं 1 मिनट 8 सेकंड से 2 मिनट तक का पार्ट कट करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना भाग हमारे वीडियो से कट हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, एक और कुछ और कट करना चाहे आप, तो यहाँ न्यू कट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अपना दूसरा कट लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, ये वाला ऑप्शन मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिलीट कट हो गया। अब हमारे पास एक ही कट बचा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है फ्रेंड, सेव करने के बाद ये आपके वीडियो से ये भाग कट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लर भी कर सकते हैं अपने वीडियो में। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, फेस ब्लर और कस्टम ब्लर। इसके बाद ऑडियो का ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो प्लस कीजिए, और आप कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, जो फ्री म्यूजिक रहती है ना उन्हें ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप वीडियो को अपलोड करने के बाद भी अपने फ़ोन से ही उसे कट कर सकते हैं।
फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय।